मेरे हाथों को देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हाँ, ये चारों उंगलियों को मैं गोल घुमा रही हूँ, 1 2 3 हो रही है। सी, अब मेरे हाथों रखा हुआ है और सिर्फ मैं आईब्रोस को कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में आप देखेंगे थ्रेडिंग कैसे करते हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स रहते हैं, जो सीख रहे हैं थ्रेडिंग करना, उनको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, थ्रेड कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ें रहती है प्रैक्टिस करने के लिए जो पता होना चाहिए, और जो मुझे नहीं पता थी, जो क्लासेस में भी मुझे इतना अच्छे से नहीं पता चली थी, जब मैं क्लाइंट्स के ऊपर खुद करने गई तब क्या मैंने सीखा और किस तरह से सीखा, वो सब शेयर करूँगी वीडियो में। बने रहना वीडियो 8 तक। अभी मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको थ्रेड लेना है। मैं ज़्यादातर नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग करती हूँ, तो मैं आपको नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग बताऊँगी, और आप भी वही करेंगे तो वही अच्छा है, बहुत इजी और अच्छा लगता है, बस आपको प्रैक्टिस इसके ऊपर करना है। लेकिन आपको अगर बेसिक पता होगा तो नेक बेंडिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बेसिक नहीं पता है और स्टार्ट ही कर रहे हो तो फिर तो आप नेक बेंडिंग से ही स्टार्ट करो, मूल से स्टार्ट करो ही मत, क्योंकि आजकल बहुत सारे पार्लर्स में, बहुत सारे सलॉन्स में नेक बेंडिंग से ही थ्रेडिंग किया जाता है। इवन यूसी में, अर्बन कंपनी जैसे सलॉन एट होम में तो नेक बेंडिंग से ही किया जाता है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको पहले बांध के लेना है। यहाँ पे एक आपने देखा रहेगा मैंने नॉट किया, दैट्स इट, इतना नॉट बस हो गया, थोड़ा इतना लूज रखा बस हो गया, कुछ नहीं। लेकिन किसी किसी को यहाँ पे कॉटन रखना है तो वो भी रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं रखती हूँ, ठीक है। मेरे हाथों को देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हाँ, ये चारों उंगलियों को मैं गोल घुमा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 टू 7 आपको राउंड करने हैं, ठीक है। अभी आपको ये वाला हाथ है, ये ऐसे ही रखा है मैंने, ये वाला हाथ है उसको जो है वो आप एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 2 से 3 राउंड वो किया, और ये जो उंगली है यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। होप सो आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, और यहाँ पे जो कम है ज़्यादा है यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा, मुझे कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जन क्या करते हैं, यहाँ पे गैप बहुत कम रखते हैं, उसके वजह से क्या होता है, क्लाइंट्स को पेन होता है। थोड़ा सा ना लूज रखो, ये जो है ना थोड़ा सा लूज रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो थ्रेडिंग करते वक्त हेयर लाइन रहती है ना वो अच्छे से पकड़नी रहती है। क्लाइंट्स को अच्छे से पकड़ने के लिए बोलो बस, और कुछ नहीं। आपको ये जो है इसमें आपको शेप मिल जाएगा, ये जो लाइन्स है उसमें आपको शेप मिल जाएगा, इसमें हेयर लाइन आपको पकड़नी है, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये जो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 घर पे इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करूँगी ना उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करना है। ये जो है ये मैं कर रही हूँ, ये क्या है, जब बाल यहाँ पे अटकते हैं तो आपको सिर्फ उसको इस तरह से निकालना है, ये प्रैक्टिस करना है, इसको बालों को निकालना है, ठीक है। मैं आपको खुद के करके दिखाती थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं अपनी खुद के नहीं करती हूँ। बहुत सारे जन अपने खुद के भी आईब्रोज करते हैं लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ, सॉरी। लेकिन मैं मेरे लेग्स के ऊपर आपको करके बताती हूँ किस तरह से मैं करती हूँ। तो ये मैंने पाउडर लगाया है, कोई भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टॉल्कम पाउडर आपको चाहिए सिर्फ, ठीक है। पाउडर लगाया, ठीक है, अच्छे से उसको पाउडर को लगा के ले लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ओके, यहाँ से मैंने जो भी है एडजस्ट कर लिया। उसके बाद पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो दिखा रही हूँ, ठीक है। सी, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पैर के ऊपर। जो बाल रहते हैं मेरे बाल, मेरा कैमरा क्वालिटी सच में बोलूँ तो इतना अच्छा नहीं है कि आपको इतना अच्छे से पता चले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप पता। सी, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने से ये जो है ना स्किन इसमें इस तरह से आनी चाहिए। ये जो अगर अटक रहा है मतलब आपकी प्रैक्टिस ये ऐसे 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 अटकता है,
ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बराबर नहीं है, ये एकदम स्मूथ आना चाहिए। ये स्मूथ आया मतलब आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हुई है। आपको सिर्फ इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जितने आप खुद के बाल हैं ना वो निकालें। आपके खुद के बाल निकालते हुए अगर आपको पेन नहीं हुआ, मतलब आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है। सिर्फ इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। सी, आप मेरे हाथों को अगर देखेंगे तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, देखो इस तरह से मैंने रखा हुआ है और सिर्फ मैं आईब्रोस को कर रही हूँ। ये वाला उंगली है वो मैं स्किन के ऊपर रख रही हूँ। जब आप आईब्रोस फेस के ऊपर भी करते हो, आईब्रोस के ऊपर भी करते हो ना, आपको जहाँ पे भी आईब्रोस करना है वो ये वाला उंगली रखना है, ये वाला सी, और इससे एडजस्ट करना है, इससे एडजस्ट करना है। मेरे पैर में इतना बाल है नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, बट इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि प्रैक्टिस इस तरह से आपको करनी है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है खुद के ऊपर पहले, ठीक है। वो हो गया, आपकी खुद के ऊपर प्रैक्टिस करके हो गया, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद घर पे जो भी है उनको पकड़ो, उनका हाथ पकड़ो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। उनको पेन नहीं हो रहा है, अब दिख रहा है, स्किन में कट्स नहीं हो रहे हैं, स्किन में कट्स नहीं होना चाहिए। स्किन में कट्स कब होते हैं, जब अपना इसमें हेयर लाइन लेने की जगह स्किन लेते हो। आपको सिर्फ हेयर लाइन लेनी है, जो बाल रहते हैं वही लेने हैं। अगर उसमें इसमें आप ये जो ये बेसिकली रहता है सीजर, ठीक है, ये बेसिकली रहता है सीजर, उसमें आपको सिर्फ बालों को लेना है। अगर आप इसमें स्किन लेंगे ना तो कट्स होगा, स्किन को नहीं लेंगे, सिर्फ बालों को लेंगे, कट्स नहीं होगा। और ये जो स्मूथ रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा इजीली होगा, क्लाइंट्स को बिल्कुल पेन नहीं होगा, आपको रेटिंग 5 स्टार रेटिंग ज़रूर मिलेगी। और क्लाइंट्स को आईब्रोज के ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा जज करते हैं। आईब्रोज आपको अच्छे से हो गए ना, क्लाइंट्स आपके पास डबल ट्रिपल आनी ही आनी है, क्योंकि बहुत जन रहता है आईब्रोज उनको अच्छे से नहीं आते, उस वजह से क्लाइंट्स आना बंद होते हैं। वो देखते नहीं है फेशियल कैसे कर रहे या क्या कैसे कर, उनको आईब्रोज में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उनका आईब्रोज अच्छे से हो गया, बस हो गया। तो यही है आज का मेरा इसके ऊपर टॉपिक, होप्स आपको पसंद आया। अगर इसके ऊपर आपको और भी वीडियो चाहिए, और भी नॉलेज चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताना। आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ज़रूर आंसर दूंगी। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप्स आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, पर कुछ तो कर देना, और अगर पसंद बहुत ज़्यादा आया तो शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।